Yes. Good morning, everybody. And let us begin today's topic. What exactly is today's topic? Let us just understand. Good news for startup existing businesses. अगर आपका कोई plan है business start करने का, कोई startup आपके दिमाग में है, आजकल वैसे भी मोदी जी जब से elect होके आए तब से startup बहुत ज़्यादा सुन रहे हम लोग. But exactly startup मतलब क्या होता है? नया कोई business जिसको हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और जिसे हमें स्टार्ट करना है, ओके? या हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको हमें ग्रो करना है. क्या लगता है आपको सबसे पहले क्या लगेगा उसके लिए? इफ वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, वी नीड टू ग्रो अवर एग्जिस्टिंग बिजनेस, वी नीड मनी, राइट? पैसा लगेगा उसके लिए. और पैसा कहां से आएगा? वेयर फ्रॉम द मनी, कैश, इन्वेस्टमेंट, जो बुलाओ, बट आएगा कहां से एग्जैक्टली, वो हम लोग आज देखने वाले. एग्जैक्टली ये जो पैसों का रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस में, उसका आज हम लोग सोल्यूशन लेकर आए. Okay, so what exactly is the solution? Venture capital financing. नाम सुना आपने, इसको VC बोलते हैं famously. इसको venture capital कम और VC ज़्यादा बोला जाता है. VC financing exactly होता क्या है ये VC financing and how it is useful for startups? हम लोग आज ये देखेंगे. तो सबसे पहले stages of business देख लेते एक बार and उसकी funding requirement देखते हैं. जब सबसे पहले दिमाग में idea आता है आपके, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले स्टार्टअप स्टेज. ओके, जहां पे आपके दिमाग में एक बिजनेस प्लान है, आपको कोई बिजनेस करना है, और उसके लिए उसको स्टार्टअप फेज बोलेंगे. एंड वो जो फंडिंग रिक्वायर्ड होता है वो जनरली FFF से होता है. व्हाट इज FFF? लिखा देखो, फैमिली फ्रेंड्स एंड फूल्स. फूल्स मतलब क्या? अभी मतलब फैमिली फ्रेंड. देखिए, पैसा, मुझे बिजनेस करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा? मेरे फैमिली मेंबर से लूंगा, या तो मेरे पापा से लूंगा, या तो मेरे चाचा से लूंगा, राइट? किसी से पैसा ले लिया, फैमिली हो गया वो. किसी दोस्त से ले लिया, जो क्लोज के फ्रेंड्स है उनसे ले लिया, तो क्लोज फ्रेंड्स हो गए, फैमिली फ्रेंड्स. अब ये दोनों भी खत्म हो गए और पैसा रिक्वायर्ड है, तो किसी को पागल बनाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, तू पैसा इन्वेस्ट कर. और उसको हम लोग फूल बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनिशियल लेवल पे तो एक्चुअली उसको फूलिंग बोलेंगे ना, क्योंकि पैसा रिक्वायर्ड है. हमारे पास कुछ है नहीं, हम दिखाते बहुत ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा चाहिए ताकि हम बिजनेस को और ग्रो कर पाए. बट ये सब स्टार्टअप स्टेजेस है जहां पे आपको फाइनाइट मनी रिक्वायर्ड, बहुत कम मनी रिक्वायर्ड है, और आपके कम मनी के साथ चीजें आगे बढ़ सकती है, तो वो होता है स्टार्टअप स्टेज. इससे आगे ले जाए अगर, तो उसको हम बोल सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के बाद अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेज में अगर आपको फंडिंग रिक्वायर्ड है, तो फंडिंग कैन बी डन फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर. अब एंजल इन्वेस्टर मतलब कोई फरिश्ता आने वाला है क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए? एक्चुअली बिजनेस के एंगल से एक फरिश्ता जैसे ही है एंजल इन्वेस्टर. ओके, होता क्या एग्जैक्टली ये हम लोग डिटेल में अगले इसमें देखेंगे. सो एंजल इन्वेस्टर आपको कब हेल्प करेंगे? अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस में, जहां पे आपने सेटअप तो कर दिया है बट आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस बोलोगे, जहां पे शायद आपके पास कोई प्रोडक्शन प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, और उसके लिए आपको फंडिंग रिक्वायर्ड है. इसके बाद थर्ड स्टेज आता है ग्रोथ स्टेज, जहां पे आपको बिजनेस को ग्रोथ देना है. उस टाइम पर काम में आता है आपको वेंचर कैपिटल, जो आज का हमारा पूरा फोकस पॉइंट रहेगा. हम लोग ये सभी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में से ज्यादा स्ट्रेस आज वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग पर देंगे. वेंचर कैपिटल से कैसे फंडिंग होता है हमारे बिजनेस में वो देखेंगे. वेंचर कैपिटल एग्जैक्टली क्या होता है वो देखेंगे. बाय द वे, नाम से आपको आइडिया आ चुका रहेगा, वेंचर इज बिजनेस एंड कैपिटल मतलब पैसा. ओके, एंड इसके बाद जो स्टेज आता है वो होता है आपका मैच्योरिटी स्टेज, जहां पे आपने प्रूव कर दिया कि आप बेस्ट हो बिजनेस में. तो उस टाइम पे आपके प्रॉफिट स्टेबल है, आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही है एंड कंसिस्टेंटली कमा रही है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कमा रही है. तो उसके बाद अगर आपको मैच्योरिटी स्टेज पा लिया आपने, तो हम आपको और फंडिंग के लिए प्राइवेट इक्विटी दे सकते हैं. आज इन चारों में से हम ज्यादा फोकस वेंचर कैपिटल पे करेंगे. ओके, नाउ देखते एग्जैक्टली प्राइवेट इक्विटी वगैरह ये सब टर्म्स क्या होते हैं. प्राइवेट इक्विटी नाम से समझ रहे हैं आपको, आपने किसी और को स्टेक दिया है आपकी कंपनी में, और बस वो परमानेंट इन्वेस्टमेंट बोल के आपने उसको आपके बिजनेस के साथ लिया है. दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी. और ये जनरली रिच एंड वेल्दी लोग करते हैं. प्राइवेट इक्विटी जो है, आपके खरीदने वाले जो इन्वेस्टर्स रहेंगे, ये रिच एंड वेल्दी लोग रहेंगे, जिसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं, HNI. फेमस है ये टर्म फाइनेंस का. HNI स्टैंड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, लाइक अंबानीज, लाइक टाटाज. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप्स फॉर गेटिंग द फंडिंग फ्रॉम VC. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक बिजनेस आइडिया डेवलप करना पड़ेगा.
आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए. ओके, लेट्स से एक आइडिया है मेरे पास बिजनेस सेटअप करने के लिए. मेरे पास एक दिमाग में आइडिया है कि मुझे लगता है कि मैंने एक ऐसा कंप्यूटर चिप बनाया है जिससे आप कंप्यूटर में वो चिप डाल दो तो आपको मोबाइल जैसा नेटवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा उस कंप्यूटर में. ओके, मेरे पास एक मतलब हम लोग एंटरप्रेन्योर है, हमारे पास एक आइडिया है, बिजनेस प्लान है, और वो बिजनेस प्लान ये है कि मेरे पास एक चिप है जो मैं कंप्यूटर में इंसर्ट करूंगा और कंप्यूटर मोबाइल जैसे ऐड करना स्टार्ट करेगा, जहां पे हम लोग कॉल रिसीव कर सकते हैं कंप्यूटर से, कॉल डिसकनेक्ट कर सकते हैं, डेटा यूज कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है फ्रॉम कंप्यूटर यूजिंग दैट चिप. ओके, तो क्या होगा इसका, ये एक मोबाइल का सब्स्टिट्यूट हो गया. ओके, एंड उस चिप में एक और यूनिक फीचर है, वो आपको मोबाइल से ज्यादा रेंज देगा टावर का, मोबाइल से ज्यादा रेंज देगा. जो नेटवर्क का रेंज होता है वो रेंज मोबाइल से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल चिप है जो हम लोग इन्वेंट कर चुके हैं सपोज. बट ये जो इन्वेंशन है ये सिर्फ ऑन पेपर है, इसको रियल लाइफ में लाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत गिरती है. और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए क्या लगता है, फंड लगता है, पैसा लगता है. और फिर एक बार ये रिसर्च डेवलपमेंट सक्सेस हो जाए, इसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालकर इसको रियल लाइफ में लेके आना एंड मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को सबको बेचना, इसको तो और ज्यादा फंड लगता है. ये सब फंडिंग कहां से आएगा ये पता नहीं है, बट हमारे पास आज क्या है, एक बिजनेस प्लान है, एक बिजनेस आइडिया है. और ये आइडिया अगर आपने सुना रहेगा तो आपको बहुत धमाकेदार आइडिया लग रहा है. वीसी को बस ऐसा ही कुछ धमाकेदार आइडिया चाहिए जिसमें कम समय में ज्यादा ग्रोथ मिले. वीसी हर बार चाहता है कि उसको कम समय में ज्यादा ग्रोथ मिले, ऐसा ही प्लान में वो इन्वेस्टमेंट करता है. नो डाउट अबाउट इट कि ऐसे जो डायनामिक प्लान्स होते हैं वो 100 में से मे बी 20 या 30 ही सक्सेसफुल रहते होंगे, बट जो वो 20-30 को सक्सेस मिलता है आइडिया को, वो ट्रिमेंडस सक्सेस होता है. नो डाउट 60-70 आइडिया फेल भी होते होंगे 100 में से, बट फेल्यूर से जितना लॉस होगा उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न वीसी को किसमें मिलता है, सक्सेस होने के बाद मिलता है. ओके, सो लेट्स से वी टुक मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वी स्टार्टेड अ बिजनेस मॉडल. हमने ये जो भी बोला अभी, इसका एक बिजनेस मॉडल बनाया हमने एंड एक वेबसाइट बनाई हमने, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडल, जो भी बेसिक ग्राउंड लेवल वर्क रहता है ये हमने सब कुछ कर दिया. कहां से पैसा लिया इसके लिए हमने, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से लिया हमने, बराबर ना, FF से लिया. अभी तक तीसरा F मिला भी नहीं हमको, फूल नहीं मिला हमको, हमने फैमिली फ्रेंड से ले लिया है पैसा. अब वी रिक्वायर मोर मनी, वॉट टू डू, पैसा और चाहिए. वी हैव टू चॉइसेस, या तो हम लोग लोन लेंगे या तो हम लोग इन्वेस्टर ढूंढेंगे. क्या लगता है आपको, स्टार्टअप को लोन मिलता है क्या? इतने आसानी से लोन नहीं मिलता है. गवर्नमेंट के बहुत से स्कीम्स है बट उसके इफ्स एंड बट्स भी बहुत ज्यादा है, हमको पता है. गवर्नमेंट के स्कीम ज्यादा होते हैं और उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है. ऑन पेपर स्कीम बहुत अच्छे होते हैं बट रियल लाइफ में यूजफुल कम होते हैं. तो लोन लेना इतना आसान नहीं रहेगा. वी हैव नेक्स्ट बेस्ट चॉइस, दैट इज वी नीड टू फाइंड सम इन्वेस्टर्स. अब इन्वेस्टर्स दो टाइप के होते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर. एंजल इन्वेस्टर करता क्या है एग्जैक्टली? ये बिल्कुल हमारे लिए एंजल जैसा ही है. और ये क्या करेगा, एक फरिश्ता जैसे एक्ट करेगा हमारे लिए. क्या करेगा, देखिए, दे आर बिग बिजनेसमैन, यू कैन से CEOs है कोई कंपनी के, जिनके पास हाई एंड एक्सपीरियंस है, इनका बिजनेस में नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा है, और ये लोगों के पास आप जा रहे हो पैसा मांगने के लिए, और इसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर. ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे एंड हमको प्रैक्टिकल नो हाउ भी देंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तौर तरीके क्या है, हमारा पूरा मॉडल समझेंगे ये लोग. और ये लोग क्योंकि वेल एक्सपीरियंस्ड है, ये लोग गाइड करेंगे हमको कि हम हमारे बिजनेस और सक्सेसफुल कैसे बना पाए. हमने हमारे बिजनेस मॉडल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी देते हैं ये लोग. इनके पास रिच एंड वेल्दी एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू हम इनसे फंडिंग भी लेंगे, इनका अनुभव भी लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. इसीलिए इनको इन्वेस्टर तो बोलते ही है, एंजल भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस प्लान में हेल्प करते आगे. दे हेल्प अस इन इंप्रूविंग अवर बिजनेस, दे हेल्प इन इंप्रूविंग अवर नेटवर्किंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस दे हेल्प अस, एंड ऑब्वियसली दे गिव अस फंड ऑल्सो. ये सब की वजह से उसको एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है. बट एंजल इन्वेस्टर के पास जितना पैसा रहेगा वीसी से वो कम ही रहेगा. एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वीसी से कम फंडिंग कर सकते हैं क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी वीसी से कम होती है. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टर कैटेगरी इज कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल. एग्जैक्टली समझते हैं वेंचर कैपिटल क्या होता है. वेंचर कैपिटल प्रोवाइड्स मनी फॉर सीड कैपिटल. कुछ नाम से समझ रहे हैं आपको, सीड कैपिटल मतलब क्या, इनिशियली जो पैसा लगेगा उसके लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए. पहले आपको, लेट से आपको एक प्लांट बना, क्या बोलते हैं, प्लांट डालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सीड डालोगे, उसको नरिश करोगे और फिर
थोड़ा सा प्लांट ग्रो होगा, फिर और उसको ज्यादा नर्चर करोगे और ग्रो होगा। तो वैसे ही बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिजनेस को भी फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो जो इनिशियल लेवल के फंड्स है वो कौन देगा हमें? वेंचर कैपिटल देगा। उसके बाद देन एंटरप्रेन्योर हैज ओनली आइडिया, नो बिजनेस, वीसी विल हैव द फंडिंग फॉर इट। वीसी क्या करेगा? इस आइडिया को, इस बिजनेस प्लान को रियल लाइफ में लाने के लिए हेल्प करेगा। आप एंटरप्रेन्योर, आपके पास तो सिर्फ आइडिया है, वीसी ही एक पर्सन है जो आपको अच्छा खासा फंडिंग दे सकता है आपके बिजनेस के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे, क्या क्या फॉर्म में हम आगे वीसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वेंचर कैपिटल एज अ इन्वेस्टर, इसको वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेगा? बहुत पैसा है इसके पास। दीज आर जनरली कंपनीज विच टेक मनी फ्रॉम बिग इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इट इन आवर कंपनी सो दैट आवर बिजनेस मेक्स प्रॉफिट्स, इंक्रीजेस इट्स वैल्यू एंड द बिजनेस मैन्स मनी विल ऑल्सो ग्रो। समझा वीसी का काम क्या है? बड़े बड़े बिजनेसेस से पैसा लेना और हमारे बिजनेस जैसे बिजनेसेस जिनके पास आइडियाज है, डायनामिक आइडियाज है, उनके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। नो डाउट 100 जगह इन्वेस्ट करेंगे, 70 जगह वो फेल होंगे, 30 जगह वो लोग इतना मुनाफा कर लेंगे कि 70 जगह जो फेल हुआ था उससे लॉस का रिकवर भी हो गया था और आगे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स का मनी लेते हैं, हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं और हमारे पास का ग्रोन मनी, क्योंकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगा, हमारा कंपनी का वैल्यू ग्रो होगा, इसलिए इन्वेस्टर का पैसा ग्रो होगा। ये आइडिया के साथ वीसी आगे बढ़ता है। इट डज नॉट प्रोवाइड नो हाउ। किसने नो हाउ प्रोवाइड किया था आपको? एंजल इन्वेस्टर ने नो हाउ प्रोवाइड किया था, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा आपके फील्ड में, इसलिए ये आपको कोई नो हाउ नहीं बताएगा। आइडिया आपका है, बिजनेस भी आप ही करो, इसका सिर्फ पैसा रहेगा। एंड इट प्रोवाइड्स ओनली फाइनेंस फॉर द बिजनेस। वेंचर कैपिटल का डील कैसे होगा? सपोज हम एंटरप्रेन्योर है, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तो इसे और बेटर समझ पाएंगे हम लोग। सपोज हम एंटरप्रेन्योर है और हमने एक इन्वेस्टर को अप्रोच किया जो कि ऑब्वियसली वीसी है। ओके, इन्वेस्टर कौन है? वीसी है। हम लोग कौन है? एंटरप्रेन्योर है। ओके, नाउ वी कन्विंस हिम अबाउट आवर बिजनेस मॉडल, और ये सब बिजनेस मॉडल का आइडिया देखकर उसके रियलिटी को रिलेट कर सपोज वो हमसे कन्विंस हो जाता है, देन आवर बिजनेस वैल्यूएशन ही हैज डन अराउंड 10 करोड़। सपोज जो भी बिजनेस वैल्यूएशन है उसको नो डाउट हम लोग हमारे एंड से ज्यादा वैल्यू रखना चाहेंगे और वो अपने एंड से कम वैल्यू रखना चाहेगा, क्योंकि उसको पैसा इन्वेस्ट करके स्टेक लेना है। जितना हम लोग वैल्यूएशन ज्यादा करेंगे उसका स्टेक उतना कम होगा। तो सपोज हमने वैल्यूएशन किया बिजनेस का 10 करोड़। ओके, और अगर 10 करोड़ वैल्यूएशन पे हम लोग फाइनल हो चुके, देन उसने अगर हमको 1 करोड़ दिया तो 10 करोड़ की कंपनी के लिए 1 करोड़ दे रहा है, कितना परसेंट स्टेक हो गया उसका? 10% स्टेक हो गया। इसका मतलब आइडिया आपका था, 90% स्टेक आपका रहेगा, 10% स्टेक इन्वेस्टर का रहेगा, जिसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट ने सबसे पहले क्या किया? आपका आइडिया देखा, आपके बिजनेस आइडिया को वैल्यूएशन दिया, उसका वैल्यूएशन आया 10 करोड़, आपने मांगा उससे 1 करोड़, मतलब आप उसको 10% स्टेक देने वाले हो और बदले में आपको मिल जाएगा 1 करोड़, डील हो जाएगी आपकी। अब ये 1 करोड़ लेकर आपने क्या किया? कहना इसे पूरा आइडिया आपका था, 100% बिजनेस आपका था, आपने 100% स्टेक में से 10% स्टेक उसको देखकर स्टेक डाइल्यूट कर दिया। What is the meaning of dilution of stake? आपके पास का 100% ownership का 10% उसके पास चला जा चुका है और आपके पास बढ़ चुका है सिर्फ 90%। 10% stake के लिए उसने क्या किया? आपको 1 करोड़ रुपीस दिया है। अब आप आपका बिजनेस कर सकते हो, 1 करोड़ है आपके पास। आपका आइडिया ग्रो करो, आपका बिजनेस को सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग लगने वाला है, क्योंकि सिर्फ 1 करोड़ से काम नहीं होगा, 10 करोड़ का बिजनेस आइडिया था आपका और बिजनेस ग्रो करना है आपको सपोज, तो सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग भी आप कर सकते हो। राउंड टू ऑफ फंडिंग में क्या होगा? नाउ सपोज इन द लैटर स्टेज वी रिक्वायर मोर फंड्स टू ग्रो आर कंपनी, वी विल अप्रोच अनदर इन्वेस्टर, अनदर वीसी, एंड वी विल डू द रीवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन कुछ साल पहले हुआ था, अब ऑब्वियसली वैल्यूएशन 10 करोड़ नहीं रहेगा, वैल्यूएशन इज अराउंड 50 करोड़। सपोज 50 करोड़ का अगर वैल्यूएशन है, देन वी मे गिव इन्वेस्टर 10% स्टेक एंड गेट हाउ मच? 5 करोड़। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नेक्स्ट 10% देना है वो दूसरे इन्वेस्टर को देना है। वो जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसर है, वो पहले वाला वेंचर कैपिटल फाइनेंसर ने आपको कितना दिया था? 1 करोड़, और उसको आपने कितना स्टेक दिया था? 10%। ये सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग चल रहा है, यहां पर आपका बिजनेस वैल्यूएशन बढ़ चुका है। अब आप अगर 10% स्टेक देते हो कंपनी का, तो किसका स्टेक डाइल्यूट होना चाहिए? वो पहले वाले इन्वेस्टर का भी स्टेक डाइल्यूट होगा और आपका भी स्टेक डाइल्यूट होगा। लगता है आपको ये फेयर डील है?
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले वाले इन्वेस्टर ने यह सोच के आपको पैसा दिया था कि आपकी कंपनी में उसका 10% हिस्सा रहेगा और आप उसके स्टेक को डाइल्यूट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूशन एग्रीमेंट। और अगर आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में पैसा चाहिए तो आप 5 करोड़ ले लो, क्योंकि आपकी कंपनी की अब वैल्यू हो चुकी है 50 करोड़। आपको नेक्स्ट 10% स्टेक देना पड़ेगा, ये स्टेक सिर्फ आपके शेयर में से जाएगा, इन्वेस्टर के शेयर में से नहीं जाएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट जिसने आपको पहले पैसा दिया था उसके स्टेक में से नहीं जाएगा। पढ़ो इसे क्या लिखा है, इन दिस वे वी रिसीव मनी अगेंस्ट द नेक्स्ट 10% स्टेक टू इन्वेस्टर, बट दिस स्टेक विल नॉट गो फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टर स्टेक एंड इट विल बी प्योरली गोइंग फ्रॉम इन्वेस्टर स्टेक, मतलब अपने स्टेक में से जाएगा वो। अब आपके पास कंपनी का कितना स्टेक बचा है, 80%, क्योंकि पहले आपने 10% दिया और अभी आप 10% दे रहे हो। और आपके पास इन्वेस्टर्स कितने हैं जुड़ चुके हैं, 2, पहले वाला इन्वेस्टर जिसने आपको 1 करोड़ दिया और दूसरा इन्वेस्टर जिसने आपको 5 करोड़ दिया। अब सपोज आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा फंडिंग रिक्वायर्ड है आपको, आपको बिजनेस बहुत ग्रो करना है, आपको नेटवर्क करना है, पूरा चेन बनाना है आपका बिजनेस का ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर, तो ऑब्वियसली थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग भी कर सकते हो आप। इसमें पूरे जब जब आप फंडिंग कर रहे हो सिर्फ आपका स्टेक डाइल्यूट हो रहा है, जो इन्वेस्टर ने पहले से इन्वेस्ट किया उसका स्टेक डाइल्यूट नहीं होता है, उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूशन एग्रीमेंट। अब देखिए थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग अगर कर रहे हैं हम लोग सपोज, तो क्या करेंगे, आफ्टर फ्यू इयर्स वी रिक्वायर मोर फंड्स टू ग्रो आवर कंपनी एंड आवर कंपनी वैल्यूएशन नाउ इज अराउंड 100 करोड़, वी मे फाइंड नेक्स्ट इन्वेस्टर हु इज अगेन रेडी टू टेक 10% stake and will give us how much? 100 crore का 10%, मतलब 10 crores. तो 10 crore हमको और मिलेगा venture capital financer से। ये third round of funding है, इसको काफी लोग series A, series B भी बोलते हैं। Okay. तो सीरीज ए फंडिंग इस पहले लगने वाला फंडिंग, बट हर लेवल का एक इंपॉर्टेंस होता है, सीरीज ए कब बोलना चाहिए, सीरीज बी कब बोलना चाहिए। जनरली सीरीज डी जो होता है वो फेल्यूर का सीरीज होता है। अगर आप लोग सीरीज डी फंडिंग बोलते हो इसका मतलब आपका बिजनेस प्लान लॉस में जा रहा है और आप उसको पिकअप करना चाहते हो, तो सीरीज डी लगता है। राउंड्स ऑफ फंडिंग जो लगते हैं आपको वो बिजनेस ग्रो करने के लिए राउंड जो लगते हैं वो सीरीज ए और बी में लगते हैं। अगर वो राउंड्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसको A1, A2, A3 सीरीज बोलते हैं। सी और डी पे आप तब जाते हो जब आपके बिजनेस की हालत खराब हो रही है और आपको पैसों की और जरूरत है। ओके, तो यहां पे मेरा राउंड 3 स्टार्ट हो चुका है, यहां पर मुझे और पैसों की जरूरत थी, कंपनी का वैल्यूएशन अब 100 करोड़ हो चुका है, 10% स्टेक के अनुसार मैंने कितने पैसे लिए, 10 करोड़। अब उसको जो स्टेक देना पड़ेगा वापस से किस में से जाएगा, हमारे स्टेक में से जाएगा, इन्वेस्टर्स के स्टेक में से नहीं जाएगा। That means हमने further dilute कर दिया अपना stake, हमारा final stake कितना बचा अभी, 70%, और investors के पास कितना है, 30%। अब इसके बाद अगर business profits में है, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, तो हम directly हमारी company को buyout के लिए रख सकते हैं। buyout के लिए रखना मतलब क्या, एक well known company ढूंढो, जैसे कि इंडिया की हद तक वगैरह देखा जाए तो टाटा वगैरह, या इंटरनेशनली वगैरह भी देखा जाए तो बहुत से कंपनीज है, इंडियन कंपनीज एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज ऐसे है कुछ जिनका नाम बहुत अच्छा है, जिनका पैसा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो लोग इजीली हमारी कंपनी को खरीद सकते हैं। हम ऐसे बड़ी कंपनीज को ऑफर्स दे सकते हैं जैसे इंफोसिस, जैसे रिलायंस, और हम इनको हमारी कंपनी खरीदने का ऑफर देंगे, हमारा स्टेक खरीदने का ऑफर देंगे। इसको बोलते हैं बायआउट। फ्यू इयर्स डाउन द लाइन एंटरप्रेन्योर मे अप्रोच अनदर वेल नोन कंपनी एंड ऑफर्स देम टू बाय हिज स्टेक इन द कंपनी। पूरी कंपनी खरीद लो, वैसे भी स्टेक मैक्सिमम आपके पास है। ओके, तो कंपनी का स्टेक खरीद लो एंड कंपनी का वैल्यूएशन अब कितना हो चुका है, 200 करोड़। 200 करोड़ का अगर वैल्यूएशन है तो मुझे बताइए वो दूसरी कंपनी आपका स्टेक खरीदने के बाद कितना रुपया देना चाहिए आपको। 200 करोड़ इंटू 70% स्टेक है आपके पास, तो इसका मतलब आपको टोटल कंसीडरेशन कितना मिल जाएगा, 140 करोड़ का स्टेक मिले। 140 करोड़ कैसे आया, 200 करोड़ की कंपनी है, 70% स्टेक आपके पास है, तो 140 करोड़ का कंसीडरेशन सामने वाली कंपनी अगर आपका स्टेक खरीदती है तो आपको पे करेगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बिजनेस आपका था, आइडिया आपका था, ग्रो आपने किया, अगर इस स्टेज पे आके सामने वाली दूसरी कंपनी इसको खरीद लेती है तो चांसेस आर देयर कि ये कंपनी वो वापस लॉस में चले जा सकती है। ये कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो आप एज एन एंटरप्रेन्योर लाए थे आपके एग्जिट के बाद शायद खत्म हो जाए। तो जो बायआउट करने वाली कंपनी है कभी नहीं चाहेगी कि आप इस कंपनी से कंप्लीट एग्जिट ले लो,
एग्जिट ले लो, कंप्लीट एग्जिट ले लोगे तो आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे। तो इसीलिए जो नामांकित कंपनी है, जो वेल नोन कंपनी है, वो आपका स्टेक जरूर खरीदती है। 140 करोड़ आपको देना बाकी है, उन्होंने वो बोलेंगे एक काम करते हैं, 100 करोड़ वी विल गिव इन मनी टर्म्स, बट 40 करोड़ वी वोंट गिव यू इन मनी टर्म्स, वी विल गिव यू स्टेक। हम खरीद रहे, अब कंपनी हमारी है और उस नई कंपनी के शेयर्स आपको दिए जाएंगे। कितने? एग्जाम्पल के लिए 40 करोड़। क्यों स्टेक दे रही है वो उस कंपनी के स्टेक इस एंटरप्रेन्योर को, क्यों दे रही है? क्योंकि अगर इस एंटरप्रेन्योर का कमर्शियल इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ा रहेगा तो वो कंटिन्यूअसली इस कंपनी के प्रोग्रेस के लिए काम करेगा और इन्वॉल्व रहेगा। देखो क्या लिखा है यहां पे, बट द बायर कंपनी मे गिव सम कंसेशन इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज स्टेक सो दैट द एंटरप्रेन्योर्स इंटरेस्ट वुड स्टिल बी इन दिस इन द ग्रोइंग ऑफ दिस कंपनी। अगर वो कंप्लीट एग्जिट ले लेगा तो फेलियर के चांसेस रहते हैं, इसलिए बायआउट के वक्त एंटरप्रेन्योर को कंप्लीट एग्जिट नहीं दिया जाता है, कुछ ना कुछ कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेक दिया जाता है। अगर बायआउट के लिए रेडी नहीं है, आप खुद रेडी नहीं हो या पब्लिक कोई इन्वेस्टर रेडी नहीं मिल रहा है आपको, एक वेल नोन कंपनी आपको रेडी नहीं मिल रही है जो आपकी कंपनी खरीदने को तैयार है, तो आप तीसरे ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन के लिए जा सकते हो। बायआउट के अलावा दूसरा ऑप्शन है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम लोग एक सेशन जो है हमारा आईपीओ पे भी लेंगे, आईपीओ कैसे किया जाता है, आईपीओ का रिक्वायरमेंट क्या आता है, कंपनीज आईपीओ क्यों लाती है, इसके ऊपर सेपरेट सेशन होगा हमारा। फिलहाल के लिए समझिए आईपीओ का मतलब यह है कि मैं जो कंपनी फॉर्म कर चुका हूं, अब उस कंपनी को मैं इन्वेस्टर्स को डील करने के लिए ओपन रख रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज पे। अब मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली कैसे लिस्ट होगी? मुझे मेरी कंपनी के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शेयर्स लाने पड़ेंगे। शेयर्स लाकर डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर रख दूं? नहीं, मुझे सबसे पहले ये शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचने पड़ते इन प्राइमरी मार्केट, और वो प्राइमरी मार्केट और कुछ नहीं होता है, आईपीओ होता है। प्राइमरी मार्केट में हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी के स्टेक डायरेक्टली किसी बड़े इन्वेस्टर को नहीं दे रहे, पब्लिक इन जनरल को दे रहे, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसलिए उसको पब्लिक वर्ड यूज किया है। ओके, अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, देखिए इन्वेस्टर डज नॉट वांट टू गो फॉर बायआउट ऑप्शन। क्यों नहीं जाना चाहता है? शायद कोई इन्वेस्टर कंपनी रेडी नहीं है या उनके वैल्यूएशन बहुत कम लग रहे हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ही मे गो फॉर आईपीओ फॉर इट्स शेयर्स। जो भी शेयर्स है हमारे वो आईपीओ के थ्रू पब्लिक को बेचे जा सकते हैं। आज आपके पास रिलायंस के शेयर्स है, इंफोसिस के शेयर्स है, कैसे आए आपके पास शेयर्स? कभी नहीं तो कभी ये शेयर्स आईपीओ के तौर पे पब्लिक को बेचे गए थे और वो पब्लिक ने खरीदे और बाद में ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए। जब ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते तो किसके बीच में डीलिंग होती है? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डील होती है क्या? यस और नो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक बार शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं तो कंपनी और इन्वेस्टर का रोल नहीं होता है, इट इज ऑलवेज इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। ओके, एंड जब आईपीओ आ जाता है इट इज दैट टाइम कंपनी एंड इन्वेस्टर्स के बीच डील होता है। तो यहां पर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप पब्लिक को अपने शेयर्स बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको आईपीओ के थ्रू बेचना पड़ेगा। हियर वी लिस्ट अवर शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट वेयर द इन्वेस्टर्स आर जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक के अंदर इंडिविजुअल के अंदर बहुत कम ताकत है बट कलेक्टिवली बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है। ओके, Once the shares get listed, they are traded on stock exchanges like BSE, NSE. एक बार shares public ने खरीद लिए, उसके बाद एक certain time period होता है, वो time period खत्म होने के बाद वो shares कहाँ list हो जाते हैं? BSE, NSE पे list हो जाते हैं। IPO के वक्त अगर मैंने shares लाए थे, suppose per share rate था 1000 rupees, IPO के कुछ time बाद shares list हो जाएंगे stock exchange पे, और उसके बाद वो शेयर्स की कीमत शायद हो जाएगी 1200-1300, या शायद वो शेयर्स का दाम हो जाएगा 900-800, डिपेंड करता है टोटली वेरियस फैक्टर्स पर, मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर, कितना शेयर्स का डिमांड है और कितना शेयर्स का सप्लाई है, बेचने वाले लोग कितने हैं और खरीदने वाले लोग कितने हैं, इसके बेसिस पर बाद में शेयर का प्राइस चेंज होते रहता है, दैट इज आईपीओ। दिस ट्रेडिंग इज इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, बाद में ये ट्रेडिंग मतलब मैं इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर किसकी बात कर रहा हूं, आईपीओ की बात कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, एक बार लिस्टिंग हो गया उसके बाद इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, वेयर द शेयर प्राइस मे राइज और इट मे फॉल डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इन मार्केट। जैसे अभी अभी आपने देखा बजट के बाद मार्केट फॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे अगर आपका आईपीओ आके लिस्टिंग हो गया तो आप गलत टाइम पे लिस्ट कर रहे हो शेयर को, शेयर विल फॉल डाउन।
बट अगर कुछ समय बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा, ग्रोइंग हो जाएगा, उस वक्त आपका आईपीओ के स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्ट हो गए, तो आपके शेयर प्राइस शायद बढ़ सकते हैं। मार्केट सिनेरियो पे डिपेंड करता है आपके शेयर प्राइस बढ़ेंगे या कम होते हैं। सबसे पॉपुलर मेथड मैंने आपको बताया वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में, वो था इक्विटी फाइनेंसिंग। जब जब आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, आप उसको क्या दे रहे थे? स्टेक दे रहे थे आपकी कंपनी का। बट इसके अलावा भी वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में फाइनेंसर कुछ और भी डील कर सकता है आपके साथ। मोस्ट कॉमन ऑफकोर्स इक्विटी फाइनेंसिंग होता है। मोस्ट कॉमन इक्विटी फाइनेंसिंग होता है मतलब क्या? आप इन्वेस्टर को पैसों के बदले में क्या दे रहे हो? अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, जिसको बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। ओके, यहां पर द इक्विटी होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टर दैट इज इक्विटी फाइनेंसर, जिसने आपको पैसा दिया है वेंचर कैपिटल फाइनेंसर, शुड नॉट एक्सीड 49% ऑफ द टोटल इक्विटी स्टेक। जो जो आप 10-10% दे रहे थे ना, वो किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए? 49% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल एंटरप्रेन्योर का है। तो अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द कंपनी शुड बी विद द हैंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ओनली। समझ रहे हो आप लोग? तो जब भी वेंचर कैपिटल फाइनेंसर इक्विटी के फॉर्म में आपको इन्वेस्टमेंट देता है, बदले में आप स्टेक देते हो, आप ज्यादा से ज्यादा स्टेक कितना दोगे? 49%। उससे ऊपर आपका स्टेक नहीं जाना चाहिए। या फिर आप कंडीशनल लोन भी ले सकते हो इक्विटी फाइनेंसर, ये वेंचर कैपिटल फाइनेंसर के पास से। कंडीशनल लोन, लोन सुना है बट कंडीशनल लोन क्या होता है? देखिए एग्जैक्टली, आप लोग वेंचर कैपिटल फाइनेंसर से पैसा जरूर लोगे, बट लोन सुना तो आपके दिमाग में क्या आता है? उस पर इंटरेस्ट देना है। यहां पे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप वो पैसा ले लो लोन का, बिजनेस करो, और जब बिजनेस करके सेल जनरेट होगा, उस सेल पर आपको देना पड़ेगा रॉयल्टी। क्या दे रहे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं क्या? नहीं, वी आर गिविंग रॉयल्टी ऑन सेल्स। देखिए क्या लिखा है, कंडीशनल लोन इज रीपेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी आफ्टर द वेंचर एंटरप्राइज इज एबल टू जनरेट सेल्स, एंड नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सच लोन, वी ओनली पे रॉयल्टी ऑन सेल्स। रॉयल्टी चार्ज इज जनरली इन द रेंज ऑफ 2% to 15% ऑफकोर्स ऑन सेल्स, एंड द एक्चुअल रेट में डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक जस्टेशन पीरियड। ये वर्ड क्या होता है? जस्टेशन पीरियड, जितने समय में आपका बिजनेस सेटल होता है उसको बोलते हैं जस्टेशन पीरियड। हर बिजनेस सेम टाइम में सेटल होता है क्या? किसी बिजनेस को ज्यादा समय लग सकता है सेटल होने को, किसी को कम लग सकता है, उसको बोलते हैं जस्टेशन पीरियड। उसके बाद कैश फ्लो का पैटर्न कैसा है? कुछ कुछ कैश फ्लो जल्दी आ जाएंगे, कुछ लेट आते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग अमाउंट आते हैं, कुछ बहुत लो अमाउंट आ सकते हैं। रिस्क कैसा है? आप कौन से इंडस्ट्री में हो, उसका रिस्क क्या है, कॉम्पिटिशन लेवल कितना है, ये सभी फैक्टर्स के बेसिस पे रॉयल्टी चार्ज फिक्स किया जाता है। एंड कंडीशनल लोन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्या दिया जाता है? रॉयल्टी ऑन सेल दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कैपिटल फाइनेंसर को, वेंचर कैपिटल फाइनेंसर को। ओके, ये दूसरा तरीका था आपका। तीसरा एक तरीका है जिससे हम लोग फाइनेंस ले सकते हैं, और वो है इनकम नोट। इनकम नोट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लोन्स। बोथ द लोन्स मतलब जो अभी अभी आपने देखा कंडीशनल लोन वो, एंड एक नॉर्मल लोन जो हमारे दिमाग में, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल लोन। क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल लोन। बोलो, कन्वेंशनल लोन पे क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। कंडीशनल लोन में क्या होता है? रॉयल्टी ऑन सेल दिया जाता है। यहां क्या होगा? दोनों दिया जाएगा। इनकम नोट में इट इज हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड मतलब मिक्स, कॉम्बिनेशन। तो किसका कॉम्बिनेशन है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल लोन एंड कंडीशनल लोन। कन्वेंशनल लोन में क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट, एंड कंडीशनल लोन में रॉयल्टी ऑन सेल्स। यहां क्या रहेगा? दोनों रहेगा। बट अगर दोनों रहेगा तो सर कंपनी कैसे चल पाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी? नो डाउट दोनों रहेगा तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट से कम रहेगा। लोन अगर मार्केट में चल रहा है 12%, हम देंगे 5% से इंटरेस्ट, एंड अगर रॉयल्टी चल रही है 12-15% देंगे 7-8%। सो ऑब्वियसली हम लोग दोनों का रेट कम रखेंगे, क्योंकि हम दोनों दे रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनकम नोट, या फिर हाइब्रिड नोट भी बोलते हैं इसको। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट टाइप इज पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। डिबेंचर नाम आपने सुना है जरूर, बट ये पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स क्या होते हैं? दे पार्टिसिपेट नॉट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, बिकॉज डिबेंचर होल्डर कभी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर मतलब आउटसाइडर है, आप सबको पता है, ही इज क्रेडिटर फॉर आवर कंपनी, एंड इसीलिए वो ऐसा बंदा है जिसने हमारी कंपनी को उधारी में पैसा दिया है। दे आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स बिकॉज फ्रेंड्स दे पार्टिसिपेट विद द ग्रोथ ऑफ कंपनी।
इनिशियल स्टेज आपको क्या लगता है, मेरी आइडिया वो जो चिप था कंप्यूटर में जाने वाला जिससे मोबाइल का रेंज आएगा वो भी बहुत पावरफुल आएगा, तो ये आइडिया आपको लगता है स्टार्टिंग में ग्रोथ रेट 100% आ जाएगा? ये आइडिया को सर मतलब ये रिसर्च था मेरा, इसको रियल लाइफ में लाने के लिए बहुत आरएनडी करनी पड़ेगी और वो आरएनडी के लिए कॉस्ट इनकर होगा और बदले में रिटर्न कितना है? 0%, क्योंकि ये आइडिया अभी तक टेस्टिंग मोड पर है। बट टेस्टिंग मोड पर भी पैसा लगता है टेस्ट करने के लिए, ओके? ऑन पेपर मॉडल बनाना है, रियल लाइफ में उस मॉडल को लाना बहुत अंतर है, ओके? नाउ पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर क्या करते हैं, सिक्योरिटीज पर फेजेस में इंटरेस्ट लेते हैं। स्टार्ट फेज जहां पर कंपनी का कोई ग्रोथ नहीं है वहां पर 0% ग्रोथ है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी 0% है। फिर जैसे जैसे आपका आइडिया थोड़ा इंप्लीमेंट होगा, रियल लाइफ में उसको ग्रोथ मिलेगा, तो स्टार्टिंग में लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि आइडिया यूनिक है और इसलिए आपको ग्रोथ रेट स्टार्टिंग में क्या एक्सपेक्ट है, लो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट है। तो डिबेंचर होल्डर बोलते हैं कि आपका ग्रोथ रेट कम है इसलिए हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा। तो स्टार्ट फेज के बाद नेक्स्ट फेज आता है जहां पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स क्या कर रहे हैं, आपके लेवल ऑफ ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन लो था इसलिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट भी लो रखा। थर्ड फेज जब आता है, जब आपका बिजनेस फुल्ली सेटल हो जाता है, मतलब मोबाइल वाली हर कंपनी आपका ही सिम कार्ड आपका ही चिप यूज कर रही है, नो डाउट ऐसे केस में हर कंप्यूटर में इनबिल्ट आपका चिप आ रहा है, आपका ग्रोथ रेट ट्रिमेंडसली हाई रहेगा एंड उस वक्त आपके डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट रेट भी हाई रहेगा। एग्जाम्पल लेंगे, अगर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो स्टार्ट फेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 0%। क्यों? क्योंकि कंपनी का ग्रोथ रेट जीरो है इसलिए इंटरेस्ट रेट भी 0% है। इसके बाद अगर नेक्स्ट फेज आ जाता है जहां पे हमारी कंपनी थोड़ा सा ग्रोथ अचीव कर रही है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स की तरफ कितना जाएगा? मे बी 5-6%। उसके बाद अगर हमने फुल्ली एस्टेब्लिश कर दिया हमारे बिजनेस को, हमारा ग्रोथ रेट पीक पर है तो इंटरेस्ट रेट भी पीक पर जाएगा एंड मे बी इट विल बी अराउंड हाउ मच? 18-20%। बट आप सोचो 18-20% आप क्यों दोगे जबकि आपको 12% मार्केट में बाहर मिल रहा था? क्योंकि स्टार्ट फेज में जहां पे आपकी बिजनेस को जरूरत थी इन्होंने 0% लिया है, जब बिजनेस को जरूरत थी इन्होंने 5-4% लिया है। नो डाउट इन्होंने हमें स्टार्ट फेज में हेल्प किया है इसलिए हम आगे के फ्यूचर फेज में इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। फोर वेज देखिए अपन ने इन्वेस्टमेंट्स के, वेंचर कैपिटल फाइनेंसर के साथ चार अरेंजमेंट हो सकती है। पहला अरेंजमेंट इक्विटी फाइनेंसिंग, जहां पे बदले में वो क्या लेता है? स्टेक लेता है और ये सबसे ज्यादा कॉमन है। सेकंड अपन ने बोला कंडीशनल लोन, जहां पे लोन जरूर है मगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, क्या है? रॉयल्टी ऑन सेल है। तीसरा इनकम नोट या हाइब्रिड नोट, इसमें क्या होता है? कंडीशनल लोन एंड नॉर्मल लोन के दोनों के फीचर्स होते हैं। मतलब क्या होगा? रॉयल्टी ऑन सेल्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, बट दोनों का रेट मार्केट रेट से कम। एंड चौथा हमने लास्ट में अभी देखा पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, जिसमें डिबेंचर होल्डर्स दे आर पार्टिसिपेटिंग विद द ग्रोथ ऑफ कंपनी एंड टेकिंग इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली। व्हेन ग्रोथ रेट वाज जीरो इंटरेस्ट रेट वाज जीरो, ग्रोथ रेट लो था इंटरेस्ट रेट लो था, एंड ग्रोथ रेट हाई हो गया इंटरेस्ट रेट भी मार्केट रेट से हाई हो गया। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इंडिया की हद तक वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के क्या है? वेंचर कैपिटल हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए कैसे यूजफुल है? देखिए, इट कैन हेल्प इन नेशंस ग्रोथ बाय डेवलपिंग सनराइज सेक्टर्स लाइक आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, जहां कहीं पर भी दिमाग की जरूरत होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है। यंग एंटरप्रेन्योर्स इस पैसा नहीं रहने के कारण रुकना नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत बढ़िया जरिया है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में क्या होगा? सनराइज सेक्टर लिखा है मैंने वहां पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनराइज सेक्टर्स? सनराइजेस अपवर्ड ना, तो इसको बोलते हैं अपकमिंग सेक्टर्स। अपकमिंग सेक्टर्स जहां पे सिर्फ पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, दिमाग के इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के पास दिमाग है बट पैसा नहीं है, वीसी हेल्प करेगा उनको पैसों के लिए। इट कैन हेल्प इन रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स। आप सबको पता है सिक यूनिट्स क्या होते हैं, जिनके लायबिलिटीज ज्यादा हो जाती है और एसेट्स कम हो जाती है, तो इनको रिहैबिलिटेट करना मतलब इनको नॉर्मल स्टेट पे लाने के लिए वापस वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की जरूरत गिरती है। थर्ड इज
इट कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली सर्विस सेक्टर डेवलप कर सकते हैं हम लोग, लाइक टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, लाइक हेल्थ केयर डेवलप कर सकते हैं हमारा, और इन सबसे क्या हो सकता है, वीसी से बहुत अबंडेंट पैसा आ सकता है और हमारा सर्विस सेक्टर बूम हो सकता है। बट उसके लिए डेवलपिंग नेशंस का नाम इसलिए लिया है क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा डेवलप्ड होता है, टर्शियरी सेक्टर कम डेवलप होता है। तो डेवलपिंग नेशंस अगर टर्शियरी सेक्टर पर ध्यान देंगे तो उनका जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा हो सकता है। एंड फाइनली इट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीपल कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, मतलब ये लोग जस्ट पास्ड आउट है और इनके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है बिजनेस करने का, तो पैसा नहीं रहने के कारण ये बिजनेस नहीं कर पाते, आप क्या करोगे? आप खुद अगर यंग एंटरप्रेन्योर ऐसे हो जिनके पास आइडिया है, जस्ट पास्ड आउट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी है, आपको आइडिया को रियल लाइफ में लाने के लिए वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग यूजफुल है। आप वीसी को अप्रोच करो, आप बिजनेस वैल्यूएशन करो, उसको स्टेक दो और बदले में पैसा लो जिससे आप बिजनेस कर सकते हो। सो दिस वॉज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। The whole thing, whatever we have seen, this was given collectively by these people who have worked hard for the data. Inke bagar ye possible nahi tha. I think they need a round of applause from our side. Okay. Thank you, friends. And aap aise bahut se videos online bhi dekh sakte ho. Aapko YouTube channel Prashant Sarda search karna hai, jispe aapko ye videos milenge. Next time jab hum dekhenge, I'll ensure that IPO, ye topic jo humne touch kiya aaj, uske upar bhi hum ek session lenge. Goodbye, friends.